हेलो गाइस, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको लेके आ चुका हूँ बहुत ही एक खूबसूरत लोकेशन पे, और बहुत ही प्यारी रिवर है, आपको दिख ही रहा होगा। और अभी मैं आ चुका हूँ बेतवा रिवर पे, और काफ़ी खूबसूरत नदी है, और इस नदी पर डैम भी बना हुआ है अपने ललितपुर का। मेरा ब्लॉग देखा होगा, गोविंद सागर डैम इस रिवर पर बना हुआ है। तो इस रिवर के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और सब कुछ चीज़ बताएँगे आपको, तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करना, पूरा ब्लॉग देखना। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और रिवर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो गाइस देख सकते हो, ये है बेतवा नदी, और इस टाइम आप पानी का कलर देख सकते हो कुछ ऐसा है। बाकी अभी वहाँ तक चली थी ये कुछ टाइम पहले, और उस साइड भी आप वहाँ तक देख सकते हो, वहाँ तक चली थी। बाकी काफ़ी बड़ी नदी है, इसी नदी पे अपना ललितपुर का डैम बना हुआ है गोविंद सागर। काफ़ी बड़ी रिवर है ये, इस साइड से भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड से देख सकते हो, अभी बारिश के टाइम पे कुछ ऐसा व्यू है रिवर का। बाकी देख सकते हो काफ़ी चौड़ी नदी है, और इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं अभी। तो गाइज़, इस रिवर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो इसका नाम बेतवा रिवर है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसका प्राचीन नाम बेतवती था, जो कि भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहती है। काफ़ी बड़ी रिवर है, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो बेतवा रिवर की लंबाई लगभग 570 किलोमीटर है, और इस पर सिंगल ब्रिज बना हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो, इस पर डबल हाईवे नहीं है। और गाइज, इसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ये मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले के कुवारा गांव से निकली हुई है, जो कि उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और झांसी, ललितपुर, विदिशा, बीना, काफ़ी सारे राज्यों को क्रॉस करते हुए ये रिवर काफ़ी लंबी बहती है, जिसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। तो गाइज़, आप पूरी रिवर का व्यू देख सकते हो। अभी मैं लौट रहा था महाराष्ट्र से, तो रास्ते में मुझे बेतवा रिवर दिखी, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। और इस साइड से भी आप देख सकते हो गाइज़, बेतवा नदी यमुना नदी की उपनदी है, और देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी बड़ी रिवर है। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही हो तो इस ब्लॉग को लाइक करना, और बाकी आप रिवर का पूरा व्यू देख ही सकते हो। पानी का कलर अभी थोड़ा गंदा है, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है, तो सारी रिवर जो भी हैं, जितनी चल रही हैं, सबका पानी का कलर ऐसा ही है। तो गाइज, बहुत जल्दी मैं ये वीडियो बनाई है, काफ़ी छोटी वीडियो रखी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रही होगी। तो गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।